इधर उधर क्या पता करना, सीधे फोन करो वो पहुंचो। अभी सीधे अलीगढ़ से चल रहे थे रास्ते में, हमने कहा सीधे चले आप सवेरे, फिर आप निकल जाओ क्षेत्र में। अभी हम गए भी नहीं, रुके होटल होटल पहुंचे नहीं, सीधे यही आगे गाड़ी लेके चले। पहले हमारा दिंग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम ब्राह्मण का मतलब पता नहीं किस वक्त कहाँ धरा धाम पर अवतरित हो जाए क्या जी। तो आप ब्राह्मण है, आपका स्वागत है। और सही कैसे चल रहा दौरा मेरा? हाँ, मैं हर चीज सोसाइटी पे डाल देता हूँ, मिनट की खबर, सेकंड की। हाँ सही कह रहे, सारा पेट है आपका फेसबुक पे। हाँ सब है। मैंने बोला ना, मेरा हिस्ट्री भी सब मैं उस पर डाल रखा हूँ, आईबी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सब उसमें लिखा है। इज ए नॉट ए पॉलिटिशियन, इज ए सोशल वर्कर। 10 IAS 10 IPS CBI की मोहर है उस पर, आईबी की मोहर है। नॉट ए पॉलिटिशियन, विधायक जी की छवि और इमेज ये क्रिमिनल सब खराब कर सकते हैं। पॉलिटिकल उसमें क्लांचिंग भी है, इसीलिए कोर्ट ने कहा दिस ऑल फॉल्स केस, नो हिनस क्राइम इन लाइफ। सीरियसली? हाँ, मेरे भाई 5 पन्ने का ऑर्डर है, मैंने डाल रखा RTI का। क्या जी, चुनाव आयोग के केस है मुझ पे साथ, मुझे भूल गया पिछली बार, खत्म नहीं कराया मैंने। नो हिनस क्राइम इन माई लाइफ, मेरे ना भाई के 307 कभी दर्ज हुआ ना मेरे, नो बड़ी केस इन माई लाइफ। I'm not a politician, I'm a social worker. Oh, that too we can understand. Everybody knows, यहाँ जो भी पढ़ा लिखा आप जहाँ देख रहे हैं, मेरे एक घंटे पहले यहाँ 2000 आदमी था, आज मेरी खुद की रैली आपने देख ली। एक कोई चौधरी साहब है, मैंने रात रात में इकट्ठा किया पब्लिक, और मैं यहाँ से गया तब भी 1000 आदमी बैठा रहा, और वहाँ पहुँचा तो मेरे दिमाग पब्लिक है। मैं 18 घंटे वर्किंग ही करता, तो करने दो है पिछड़ो, मुझे मालूम आई नो वेरी वेल। तो मेरी वर्किंग है काम करने की, जनता में इमेज बनी रहे, ईमानदारी ऑनेस्टी के लिए आया। बट कल्याण सिंह को बेटे को हरा करके मेरी लाइफ स्पॉइल करने की, कासगंज में लड़की खड़ी कर दी और लड़की को जेल भेजा कोर्ट ने, उसकी मम्मी को सबको। तो राजू का काम और उनके पिताजी का काम है कि विधायक की लाइफ स्पॉइल की जाए। मैंने 4 वोट BJP को दिया और दिखा के दिया, तो मेरा कसूर ये है कि मैं बेकसूर हूँ, धोखा इन्होंने दिया ना। 15 दिन में कह रहे हैं कि आज टिकट कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, और कल्याण सिंह को मना लिया गया, लास्ट मोमेंट में मुझे मना कर दिया, तो मैं कहाँ जाता, कहाँ जाता? मेरे को डिबई 8 महीने यहाँ रख दिया कि डिबई नहीं जाओगे। मैं ठीक है डिबई नहीं जाऊँगा सर, कल्याण सिंह जी नाराज हो जाएंगे। ओके, बोलन से लड़ा दो। मैंने कहा बागपत लड़ा दो, मैंने कहा नोएडा लड़ा दो, मैंने कहा जेवर लड़ा दो, अनुपसेल लड़ा दो, मतलब जहाँ से तुम आज तक हारते आ रहे हो, आज तक जीते नहीं हो, सीट पर लड़ा दो। हमने कहा बुलंदशहर नहीं जीते कभी, तो मेरे को यहाँ लड़ा दो। तो मैं यहाँ पे बहुत वर्किंग किया मैंने, लोगों के दुख सुख में जाता हूँ, कब कर्म करता हूँ, और एवरीबॉडी नोज, वो सब मेरे ऑनेस्टी ईमानदारी के बारे में जानते हैं। ना ही तो मैंने कभी लाइफ में रिश्वत भी ले, सब जानते हैं मेरी वर्किंग, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। 18 घंटे मेरी जनता में सेवा रहती है, और हर चीज़ मैं फेसबुक पर डाल देता हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, बकरी मरी है तो भी गया हूँ मैं। नेताओं को मैंने यहाँ काम करना सिखाया है इस जिले में, इतना सा बच्चा 2 साल का मेरा नाम जानता है पूछो, वो भी कहता है गुड्डू पंडित जिंदाबाद। एवरीबॉडी, हम तो यही बताएंगे सर, हम रुके थे अभी ना एक जगह चाय पीने के लिए, और जो जो भी था उसने इतनी बढ़ाई की आपकी कि हमने, हमारा ये तय हुआ, फोन कर लो अभी तो मिल जाएंगे आप, सुबह तो बड़ी जल्दी निकल जाते, 6 बजे हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे अभी, हम आ रहे हैं जबकि थके हुए हैं हम। हमने कहा नहीं, अब पहले भैया से मिलेंगे फिर निकला जाए चाय कॉफी इमेज, उसके बाद ही कुछ होगा। और अच्छा, जो इमेज वाला जो आपका चक्कर है बार बार ना, ये हर पार्टी जो है टारगेट करती है आपको? यस, करती है, अभी भी कर रही है सब। इवन समाजवादी पार्टी वहां पर भी, उनका भी यही है कि अरे वो ये है वो दबंग। नो नो, दबंग नहीं सर, मेरी बात सुनिए, ए दोनों RTI दे दो, तो दो RTI की काफी दे दो सर। हेलो, दोनों RTI दे दो, मेरी जीवनी सब लिखा है, वो सब बोला ना, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, मैं प्रॉपरली आपकी ID पर भी मेरी पड़ी है RTI ऑल, और मेरे को IB इंटेलिजेंस की सुरक्षा प्राप्त है शुरू से ही, 10-12 साल से IAS IPS और लिखा हुआ है, इसलिए हाईकोर्ट मेरी सुरक्षा सुनिश्चित रखती है, नहीं तो जो भी सरकार आती है हटाती है। नहीं तो ये दिक्कत किसको है आपकी, इस अच्छे पद से किसको दिक्कत है? मैंने बोला ना, अब वो एक हाजी अली मेरे को ये कह रहा है, एक दिन TV ने चलाया, क्या कह रहा है, जहाँ मिलेगा हर चौराहे पे मारूंगा, और मेरे असले अभी लिखड़े नहीं है, तो उसकी वायरल भी है वीडियो, कह रहा मेरे असले भी रखे हैं, और कौन है
मुझे उसके साथ एबीपी दिखा रही है बाहुबली में, मैं 2006 में एक जिसपे मर्डर करता है जिसका भाई आता डीसीआरवी में लिखा है दुराचारी दोनों भाइयों के लिए, बुलंदशहर में घुस जिसका लड़का एनकाउंटर में मारा गया, वैसे बड़ी क्रिमिनल्स हाजी अलीम कितना अत्याचारी है वो, और उसके साथ मुझे जोड़ा जा रहा है मेरी उसको कि बाहुबली गुड्डू पंडित बाहुबली क्या नहीं बाहुबली क्या, मैं शास्त्र और शस्त्र दोनों का धारण करके धर धर्म पे आया हूँ, दोनों का ज्ञानी हूँ मैं रामचरित गीता सब पढ़ा हूँ शुक्ला जी बैठ जाओ, तो मैं सारा अध्ययन किया हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पागल हूँ, नोट ए फूल पागल नहीं हूँ मैं, बड़े बड़े से लड़ा हूँ, जब बुलंदशहर में आया तो बोला ना बड़ा अजीब मिजाज का शहर है ये, फासलों से मिला करो कोई गल हाथ भी ना मिलाएगा, तो बड़ा अजीब मिजाज है, अगर जहाँ बैठे हो ना आप यहाँ से पूरा उत्तराखंड चलता था फॉर योर कैंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ से पूरा उत्तराखंड मिस्टर हांडी लास्ट कमिश्नर थे अंग्रेजी शासन के, तो यहीं से पूरा उत्तराखंड पूरा मुजफ्फरनगर है सारा एरिया यहीं से कवर होता था ये, मेरी बात समझ गए, आगे मुझे बताने की है कि अंग्रेज जो नहीं थे वो यहाँ सब भोग गए, और बुलंदशहर के इतिहास में लिखा सफेद पोसाने ना काबिले एतवार इन बुलंदशहर, अच्छा औरंगजेब और अंग्रेज लिख कर गए, क्यों लिख कर गए आई डोंट, मुझे नहीं पता कि यहाँ के पॉलिटिशियन इसका मतलब सफेद पोष ना काबिले एतवार है बुलंदशहर से के लायक नहीं, मैं डिबई में 8,000 ब्राह्मण है फिर कैसे जीत गया, ये बहुत बड़ा एक सवाल, शिकारपुर नहीं शिकारपुर मेरे भाई को कोई वोट थोड़ी देता, आज ही मुझे दे रहे हैं जैन साहब बोले कि रैली हमने ऐसी देखी नहीं, तुम्हारे भाई की भी रैली अच्छी हुई इधर भी रैली अच्छी, चौधरी साहब कह गए मैंने, हम तो उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे, हमने तो जो अपने कानों से सुना है और जिसने हमसे बोला कि आप जरूर जाइए और जिसने और बातें जो बोली ना एक भी हम उसको कुरेद रहे थे कि कहीं एक निगेटिव तो बोले वो, कोई नहीं उसने एक निगेटिव नहीं बोला, मैंने बोला हार्ड कोर क्रिमिनल्स और पॉलिटिकल सारे दुश्मन है मेरे, बदमाश तो इतना नफरत करता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, क्यों जी ये एवरीबॉडी नो सब बीजेपी के लोग बैठे हैं, यहाँ जो बैठा है सब बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, सब लोग बैठे हैं, सब लोग लाइक करते हैं मेरी एक्टिविटी को मेरे वर्किंग को, मेरे डिवाई के लोग शिकारपुर के लोग, अब बीजेपी का प्रत्याशी खड़ा होता है ठीक है 14,000 बनिया है कितना सर 14,000 बनिया है तो आप बताओ उसको 2,000 वोट मिलती है और मुझे कितनी मिली जो मिलती है, तो व्यापारी पढ़ा लिखा है ना, अब यहाँ यमुनापुरम डीपीएस जैसे टीचर्स मेरा वेलकम कर रहे हैं मेरी स्वागत कर रहे हैं तो कुछ तो विवेक होगा मेरे पास, तो वाद की संख्या सीमित होती है, हम नडे पॉलिटिशियन मैं सत्संग करता हूँ वाद नहीं, संवाद पड़ोसी के साथ होना चाहिए, देश विदेश में संवाद होना चाहिए, राष्ट्र में संवाद होना चाहिए, और संवाद है ईश्वर विभूति वाद विघटन कराता है, संवाद है ईश्वर वाद गुरुवाद संख्या 500 पांडुवाद संख्या 5 यद्यपि मूल में थे पूर्ण रूप में परमात्मा के साथ होने के बाद उपलब्धि क्या, समाजवादियों से नाराज है बिल्कुल नाराज है, क्यों नहीं नाराज है, माने के माने मुलायम सिंह जी ये कहते हैं कि डिवाइस छोड़ दो, मैं जेल में था तो कह रहे थे कि आप हारने के लिए डिवाइस भेज रहे हैं, मैंने कहा वेरी गुड इसका मतलब राजू तुम्हें इतना प्यारा है, मैंने बोला कि हम ब्राह्मण है तुम्हारे दिमाग से हम मारेंगे तुम्हें, डिवाइस भी जीता और शिकारपुर भी जीता, अलीगढ़ क्यों काटा, राजू यहाँ बोल कर गया कि हम गुड्डू को दूसरे दिन भेज देंगे, मेरी वाइफ का टिकट काट दिया, अगर अलीगढ़ में किसी चौराहे पे आपको 10 आदमी बुराई करते हुए मिल जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा, गरीब आदमी बागपत भी एवरीबॉडी नोज, लेकिन यार कोई हाथ सर पे रखता नहीं, मैं अकेला मैं ही डायरेक्टर हूँ पिक्चर का, मैं ही दरोगा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं यही रुक जाता हूँ, आपका स्वागत है, मतलब मैं तो क्या बोलूं, मैं तो भाव विभोर जिले को नरक बना दिया है, जुहारियों को तो टिकट देते हैं वो जो किंग है जुहारियों का, हाँ मैं कह रहा हूँ पैसे खा रहे हैं 2016 में विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने सर्वे कराया था कि जो अच्छे काम कर रहे हैं विधायक
40 विधायक की लिस्ट में आई थी, 403 में से बेस्ट काम करने वाले 40 विधायक, उनमें पंडित जी का नंबर 16 था और उन्हें जो है विधानसभा अध्यक्ष ने एक अवार्ड दिया है एमएलए सर्टिफिकेट बेस्ट जो है एमएलए का, जो कि हमारे पंडित जी को मिला है। भाई मेरे को 80% पोल हुआ, मीडिया मेरे आके यहाँ बोलती है कि आज विधायक जी तुम्हारे बारे में ये कह रहे हैं डीवाई के लोग, हमारा विधायक 7 महीने से गायब है और हमारे यहाँ बिजली रोड 150 बेड का हॉस्पिटल 240 के दो। डीवाई में बहुत वर्किंग किया मैंने अपने लाइफ में, मैं नर्रा अटल कुमार जी से लड़ा, मैंने वो कह रहे 50 लाख रुपए साल में ले लो, मैंने कहा 1 रुपए रिश्वत नहीं लेंगे, क्या जी विश्वास हो ना विश्वास हो। नदी में कूद गए, दो बजे लोगों को जिंदा बचा दिया, दो लोग रात के 2 बजे बस पलट गई थी, पंडावल के पास में बस पलट गई थी और नदी में गिरी थी, तो लोग खड़े खड़े देख रहे थे भैया एकदम निकले वहां से, तो रुके क्या बात है कि भाई बस पलट गई, भैया जंप लेके कूद गए नदी। रात में एक काली नदी थी डिवाइस से निकलने के बाद, रात के 2:30-3 बज रहे में पहुंचा क्षेत्र में, तो एक भांग वांग पीते हैं बाबा, उनका कॉल आया मेरे पास कि एक बस आ रही थी चिल्ला रहे हैं और वो बस जो है गिर गई है। हमने बोला कि कहाँ गिरी है, मैंने बोला सब देखे, मुझे जेट सुरक्षा थी तो उसके बाद तो मोटरसाइकिल ली मैंने, और मोटरसाइकिल लेने के बाद मैंने बोला शायद ये कोई मुझे मरवा तो नहीं देगा, फिर मैं चौराहे पे आया मैंने देखा बस भी आ रही है, मैंने मोटरसाइकिल मैंने कहा यार शायद हो गया हो, तो मैं उस पुल को देखा तो पुल पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना पुल टूट रहा है ना कुछ, फिर मैं चला गया डिबई में, फिर मैं वापसी आया तो मुझे थोड़ा सा पुल टूटा हुआ दिखाई दिया, तो मैंने देखा नीचे 130 वीर छोटे छोटे बच्चे उनकी गर्दन मुँह से खा रहे हैं, उनकी आंतें निकले, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे ऑल, वोट डालने जा रहे थे गुन्नौर। तो मैं जैसे ही मोबाइल और ये सब देखा तो मेरा सामने से वो चूहे सांप निकला ना, तो मेरे मुँह से ऐसे करे मैंने गिया गया, साला मेरा मोबाइल भी उसमें करा, फ़ोन कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ, और मेरे कपड़े सन गए, मैंने बस वाले को रोकूँ तो मैं चुका गुंडा गुंडा है कोई, और रात के समय 6 बजे फिर भी मैं 14 डेड बॉडियों को निकाल के फिर मैं कुल्हाड़ी लाया बाबा के यहाँ से, गाड़ी को काटा, फिर 14 आदमियों को बचा पाया, बाकी सब मर गए। दूसरी घटना थी रामघाट से जा रही थी पूरी बस भर के, और वो 130 बेड गाड़ी गंगा नहर चलती है मेरे यहाँ से, उसमें पूरी बस गई ऊपर तक भरी हुई थी, पीछे एक कोना बचा पाया मैं, और जनवरी के दिन थे, और मैं जैसे नीचे जाऊं कुल्हाड़ी लेकर के शीशे तोड़ने को, मैं एकदम खुद ही मर जाता, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे कहा विधायक जी को, फिर मैंने पानी रोका, उनकी डेड बॉडी वहां तक निकाली, फिर मान्य कल्याण सिंह जी ने उस खबर को भी रोक दिया, मुझे अवार्ड मिलना था उसमें नहीं मिला। कब की बात है? 2007 में जब मैं पहली बार लग सकता 2 साल पहले औरंगाबाद के पास भी एक्सीडेंट हुआ था, कॉलोनी के रहने वाले थे। अखिलेश जी से मुलाकात हुई आपकी? हुई। उनका क्या कहना, नेताजी से कुछ अलग है उनका? वो तो कह रहे हैं नेताजी से अलग, हम राजनीति कर रहे हैं। वो बाप को फोन आया, मैंने अखिलेश जी ने मुझे बुलाया, मीडिया वाले पीछे बैठे थे, बोले विधायक जी मैं आपसे अकेले में बात करूंगा। मैंने कहा भैया देखिए वो जब भी मिलता है मेरी तारीफ करता है, मुझे मेरी बुराइयों से बेखबर रखता है, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, जो रास्ता मंजिल तक ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। बोले नहीं मैं आपको बुलाऊंगा ना, प्रोफेसर साहब ने कहा है। फिर मेरे को उन्होंने बुलाया अकेले में, उन्होंने मुझे कहा कि आप डिवाई छोड़ दो, शिकारपुर छोड़ दो, आप जीवन लड़ लो समाजवादी से। तो हमने कहा ये क्या हो रहा है, तो उसने उनके PS ने बताया कि अभी अभी आधा घंटे बाद कल्याण सिंह का फोन आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डायनेमिक आदमी बोल रहे थे कि दिखा के वोट दिया और एक पैसा नहीं लिया उस व्यक्ति ने, कोई मेरे सर पे आघात करेगा तो मेरे हाथ नहीं उठेंगे, मेरी बुद्धि मेरी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी, क्या मेरे चरण गतिमान नहीं होंगे? तो परिस्थिति आदमी की चालक है, और कठिनाई आदमी को कठोर शब्द बोलने पर बाध्य कर देती है, फिर आदमी अच्छे बुरे का विवेक गवा देता है, और परिस्थितियाँ जब विलक परिणाम लाने लगती है तो रामचरित मानस में परम ज्ञानी जनक जैसा भी विचलित हो जाता है,
राजे महाराजे भाग जाओ अपने घर, लिखा ना विधि वैदय विभाव। तो परिस्थिति आदमी की चालक है और कठिनाई आदमी को कठोर शब्द बोलने पर बाध्य कर देती है, फिर आदमी अच्छे बुरे का विवेक गवा देता है। अभी ये जो दिख रहा है शिवपाल जी बता रहे हैं कि वो खिलाफ हैं अखिलेश के, तो ये झगड़ा जो भीतर का है, देखो नूरा कुश्ती टाइप क्योंकि आप तो एक ही बता रहे हैं। आदमी अपने जो बेटा अपने बाप का ना हुआ, ठीक है जी, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि भगवान राम इन्हें इसीलिए पूर्ण रूप में परमात्मा किसी को छोड़कर इसीलिए भागे यहाँ से कि महाराज जी ये यदवंश में पैदा तो हो गए लेकिन इन्हें ये तो बहुत बड़ा खतरनाक कौन है क्या जी, बोले इन्हें छोड़ के चलो तो भैया ये तो कंस की औलाद है, ये कैसे मानते हैं, ये बाप को ना बख्शा बहन को ना बख्श पाए, तो बाप और बहन को कहाँ से बख्शेंगे, इनका तो इतिहास गवाह है। जितने का तो ब्राह्मण जाति ने विचारधारा है, ब्राह्मण कौन जो शस्त्र शास्त्र दोनों का ज्ञानी हो, तो मानवता की रक्षा भी संभव है, जब ज्ञानी नहीं है और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया तो मानवता की रक्षा संभव है। हम लोग ब्राह्मण क्या जो सब में ब्रह्म देखता हो क्या जी, समदर्शी होता है, उसकी सोच समदर्शी होनी चाहिए। मेरी मूछ नहीं होती है, 76 का जन्म होता है, मेरे से डीवाई के सब लोग कहते थे, बोले अरे बेटे कहाँ जा रहा है, डीवाई मरेगा कहते थे, गड्ढे हुआ करते थे, मैं 6 बजे रोड बंद हो जाया करता था, मेरे वर्किंग लिखा सारा डेवलपमेंट, भारत सरकार TAC जांच कराना, ठेकेदारों के खिलाफ ये दुश्मनियाँ मैंने ली, हार्ड कोर क्रिमिनल्स के खिलाफ भी वर्किंग की मैंने, IPS लोग इसलिए तो लिख कर गए, सब लिखा है, RTI से मांगोगे ना मेरी सुरक्षा में सब आ जाएगा, किस लिए CBI सुरक्षा मेरी लिखती है, क्यों IB मेरी रिपोर्ट देती है, इतनी भीड़ एनी टाइम रहती है, इतने घंटे वर्किंग करते हैं, सोते इतने बजे हैं, तो ये तो जो सुरक्षा मुझे मिली है ये तो ये लिख कर दे दिया, चाय कौन सी भी है, कितने आदमी के साथ सो रहे हैं, कितनी भीड़ उनको लाइक करती है। तो जीत तो आपकी यहाँ पक्की दिख रही है, लेकिन अगला मिशन क्या जीत के बाद, क्योंकि समाजवादी के सरकार बनाने को अखिलेश की बहुत, मैं क्या बोला देखिए मेरे हमेशा उसके बारे में मेरे नेता तय करेंगे चौधरी अजीत सिंह जी, लेकिन यहाँ जो जो जरूरत है लोगों की, यहाँ सुख शांति अमन चैन और बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षा, ये मैं दूंगा लोगों को। विकास बात की बात है, विकास तो हमारे देश में भावनाएं पहले चलती है, विकास बाद में आता है, लोग लैपटॉप को वोट नहीं दिए, भावनाएं प्रकट हो गई तो मोदी जी को वोट दे दिया जनता ने, सबने दिया ना, हमने भी दिया, सभी लोग दिया, एवरीबॉडी नोस, सबने वोट किया उन्हें, लेकिन आप गांव देहात में तो जाइए उससे तो पूछिए नोटबंदी का असर क्या है, तो हमारा देश का आदमी बैलेट से जवाब देता है, बेचारा गरीब हो किससे कह नहीं सकता क्योंकि बुरा बनना नहीं चाहता, लेकिन बैलेट से जवाब देगा आप किस बार, NDTV ने 55 BJP दिखाई है ना, तो 55 ही रह जाएगी, और आज अमित शाह जी बोल करके भी गए इन सांसदों को मैं अगली बार टिकट भी नहीं दूंगा। अभी तो इन्हों अभी खबर आ रही थी उत्तराखंड में इन्होंने 10-12 अपने जो कार्यकर्ता हैं सीनियर नेता थे उनको निष्कासित किया, अभी 2 घंटे पहले की न्यूज आई। मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो इतनी परिपक्वता समझते थे कि एक सोच हो गई थी कि जिताऊ कैंडिडेट, तो उसमें हम सबसे आगे थे, क्यों जी? जी हाँ, सही बात है। पूरे पश्चिम में हर सीट पर, यही बुलंदशहर ही नहीं किसी सीट पर भी, मैं मेरा भाई हम कोई भी सीट जीत सकते थे, हमने कहा था जिस पर 90% मुस्लिम हो उस पर टिकट दो, तो मैंने कहा यहाँ यहाँ है बुलंदशहर सवाल आ किस पे लड़ूंगी, लड़ रहा हूँ सब बैठे। हमारे विधायक जी को सभी वर्गों का सभी धर्मों का सहयोग प्राप्त है, सबका साथ है इनके साथ, उसके पीछे कारण भाई आप बताइए। कारण इसका यह है कि ये सभी के दुख सुख में हाजिर रहते हैं 24 घंटे, इनके पास कोई भी किसी भी जाति का किसी भी धर्म का किसी बिरादरी का कोई भी आदमी आ जाता है ये फौरन के लिए हाजिर हो जाते हैं, फौरन उसके लिए फोन मिला देते हैं, उठ के चल देते हैं उसके साथ में। और मैं बताऊं आपको यहाँ पे जितना इन्हें हिंदू लाइक करते हैं उससे ज्यादा मुसलमान भी लाइक करते हैं, इनके लिए हिंदू मुसलमान सब लाइक करते हैं, इनके चाहने वाले काबा काशी एक है बताने की, हम संसारी लोगों ने संसार को गंदा किया, हम सूर्य वंश में पैदा हुए हैं, सब सूर्यवंशी होना चाहिए ना, हम संसारी लोगों ने संसार को गंदा कर दिया, बाकी उस परमात्मा अल्लाह ताला ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, हम संसारी लोगों ने संसार को गंदा किया, हम सूर्य वंश में पैदा हुए हिंदू
फिर यहाँ के हिंदू मुस्लिम क्या? अभी आपको क्या लगता है क्षेत्र की चुनौती सबसे बड़ी क्या है अभी, जो आपको काम लगता है कि बाकी है करना क्षेत्र में, खासकर इधर जहाँ बोला ना अमन चैन और आताताइयों का आतंक, गुंडागर्दी जो इधर फैली हुई है, मान लीजिए आताताई मेरे लिस्ट में। अच्छा, बहुत क्राइम है, बहन बेटियों की चाकू रख दिया जाता है यहाँ, उठा के ले जाते हैं ऊपर। बहुत जमीन कौन बोलेगा उनके सामने, एक क्रिमिनल्स को ढूंढना सूखी घास में सो ढूंढने के बराबर है, राइट? Yes, 100%। एक आतंकवादी को ढूंढना सूखी घास में सांस सुई ढूंढने के बराबर है। क्या करो उसके लिए? जुनून वाला अधिकारी चाहिए और पुलिस वाला भी जुनून ही चाहिए, जो देश के लिए जिए, जो अपनी वर्किंग स्टाइल के लिए जिए, जो आम आदमी का विश्वास जीत सके। ऐसे लोग नहीं है, सिफारसी लोग भर्ती हो गए। सुरजीत पांडे जैसे अधिकारी चाहिए, नीलेश जैसे अधिकारी चाहिए, तिवारी जैसे अधिकारी चाहिए जो ऑनेस्टली काम करते हो जनता में। छवि सुधारने का आपको क्या लगता है तरीका क्या है, क्योंकि आपको ना छवि जो आपका जो भूत है छवि का, वही आपको पीछे पीछे रहता है हर जगह, बात करने काम से ज्यादा लोग इमेज की चर्चा करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा? क्या जी, कहाँ से लाऊं मीडिया को मैं पैसा? नहीं, आप समझे नहीं ना हमारी चिंता, क्योंकि बैठे हुए भैया के साथ हम, हमारी ये चिंता है, इसको आप सवाल की तरह ना समझे। मैंने कहा ना, वही आपको बता रहा हूँ, मेरी आरटीआई भी है, सब पढ़ लेना क्या देखा क्या से लेटेस्ट है, पूरा नोएडा से लेके यहाँ तक की है सारे जिलों की, तो मुझे ये ना कह दे। सब पार्टी बने, अगर ऐसा होता तो क्यों कोई पार्टी देती है आपको? हाँ, ऐसा तो नहीं कोई पार्टी की आपको वो है ना आपको? मैंने कहा ना मेरा ऐसा है। ठीक है, आप बताइए क्या आप कहते हैं जो मोदी जी ने नोटों को बंद कर दिया? मैंने कहा ना, ये भावनाओं का देश है, यहाँ भगवान राम इस धरा धाम पे आए, पूर्ण रूपेण परमात्मा कृष्ण आए, ठीक है ना, अमेरिका नहीं है ये। फिर धरा उन्होंने अमेरिका की क्यों नहीं चुनी? अमेरिका के अगर यहाँ कानून यहाँ लागू करोगे तो धुना धुनता है, भुना भुनता है, देश तो ऐसे चलता है। आप इसको चलने सिस्टम से लड़ बैठे, और सिस्टम कभी कभी खा जाता है। ये भावनाओं का देश है, कृषि प्रदेश देश है, ठीक है ना, तो पहले किसानों के बारे में सोचना था। 70% तो यहाँ का दिल जो है वो देहात है, गांव है, किसान है, और गांव देहात से ही शहर चलता है, क्या जी? अब वो देहात परेशान है तो व्यापारी क्या करे? कोई सुनार के पास चले जाइए, वो रुकोसी नहीं है। और आपने टिकट भी दिया तो 76 को, आप कहते थे 60 साल से ऊपर को टिकट नहीं देंगे, आपने दे दिया 80 में पहुंच रहे हैं उनको टिकट। परिवारवाद का भी तो है ना, अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि उनके लड़कों को और उनको टिकट नहीं मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल आप अपने नियमों तोड़ दीजिए, मुझे एक टिकट दे दो, मेरे भाई को दे दो, मैं निर्दलीय जीत जाऊंगा। गलत तो नहीं कहा मैंने, सही बात। लेकिन मैंने देखा मनोज हमारे प्रत्याशी हैं गौतम जी, पिछड़ जाओ लाल जी को बैठने दे, तरह एक कुर्सी पिछड़ जाना चाहिए, इतना इतना कल है ना विवेक। तो मैं बात नहीं करता, संवाद करता हूँ समाज में, संवाद ईश्वर लगातार इलेक्शन के बाद भी।